बढ़ते हैं आगे। खबर ग्वालियर से बता दें, जहां पर जगह जगह जल भराव अब बड़ी समस्या बन गया है। लोग सड़कों पर जमा पानी से परेशान हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश से ही लोगों के घरों में सीवर का गंदा पानी पहुंच रहा है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में यहां के लोग इस समस्या को चुनावी मुद्दा बनाने का मन बना चुके हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस भी अब आमने सामने नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। थोड़ी सी बारिश और सड़कें लबालब। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की ये समस्या अब चुनावी मुद्दा भी बनती जा रही है। थोड़ी सी बारिश ही इलाके के हालात बिगाड़ने के लिए काफी है। बारिश होने से सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर रहा है और लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन हल नहीं निकला। लेकिन अब सामने चुनाव है, मौका भी है, तो अब स्थानीय लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाने का मन बना चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। ये कल बारिश हुई थी और आज हालत आप देख रहे हैं, अभी भी मतलब थोड़ा भी कम नहीं हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। अब समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, सब जगह बोल चुके हैं। यहाँ पे अभी काम भी चला था ना, नाला बना था, और ये सबसे बड़ी समस्या, अगर ये सॉल्व नहीं हुई तो कैसे चलेगा काम, सबके घरों में पानी भरा रहेगा। स्थानीय परेशान है और अपनी मंशा भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं जल भराव की समस्या को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार को 19 साल हो चुके हैं, बीजेपी को लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस नेता इलाके के विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी आड़े हाथों लेते हैं। इधर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस को ही चैलेंज दे दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बताए कहां पानी भरा हुआ है, बारिश का सीजन है इसलिए कुछ देर के लिए पानी सड़कों पर भर जाता है। लेकिन यहाँ पे विकास की अगर बात करें, जो आपने पानी की बात की, तो ये तो सड़क की स्थिति देखिए आपने, अगर गली मोहल्ले में जाएंगे तो लोगों का निकलना दूभर है। सीवर और पानी मिक्स हो चुके हैं, लोगों के घरों में सीवर युक्त पानी बह बह के अंदर भर रहा है, लोगों का जीवन बिल्कुल नरक के समान है। कांग्रेस मुझे ये बताया कि जल भराव कहाँ हो रही है, वो स्थान बताए। वर्षा प्राकृतिक रूप से होती है, तेज बारिश हुई तो निश्चित रूप से रोड में थोड़ी देर के लिए पानी भरेगा। मुझे वो पॉइंट बताएं, चले मेरे साथ, पानी का भराव होगा तो उसको निकाल किया जाएगा। समस्या है तो सियासत भी होनी ही है। चुनाव सिर पर है तो पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप में जुट गई हैं। जो सियासत से परे इस परेशानी से दो चार होती है, गुहार लगाती है, उसे उम्मीद है कि मौजूदा वक्त में तो हल हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में पार्टियों को मिल ही जाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।